हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी SBL का सिल्क एनेस्टे सोप का। ये SBL ब्रांड का होम्योपैथिक रिफ्रेशिंग बार है। ये 75 ग्राम का सोप है और इसका प्राइस जो है 55 रुपीज़ है। ये आपको कोई भी होम्योपैथिक स्टोर में ईजिली मिल जाएगा और आप इसे ऑनलाइन से भी परचेज कर सकते हो। तो गाइज, ये सोप को जो है फेस में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके चेहरे पर डलनेस है, ग्लो नहीं है, स्किन ड्राई रहती है, पिम्पल, ब्लैक हेड, वाइट हेड की प्रॉब्लम रहती है, तब आप इस सोप को यूज़ कर सकते हो। ये स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन पर मॉइस्चराइजिंग बनाए रखता है। इंग्रेडिएंट के बारे में बात करें तो इसमें यूज किया गया एलोवेरा, बर्बरी, एक्वाफोलियम, कैलेंडुला। इसके साथ साथ इसमें डाला गया है कैस्ट्रोल और कोकोनट ऑयल का भी इसमें यूज किया गया है। तो एलोवेरा में जो है एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। ये स्किन पर मॉइस्चराइजिंग बनाए रखता है, ये स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस बनाए रखता है, साथ ही स्किन को जो है डीपली क्लीन करता है, पिंपल्स को भी रिड्यूस करता है। बर्बरी एक्वाफोलियम जो है स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, एक्ने, पिंपल, डार्क कॉम्प्लेक्शन, सन टैन को भी हील करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो कैलेंडुला जो है बहुत ही अच्छा एक हीलिंग एजेंट है। ये इन्फेक्शन को किल करने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को फैलने नहीं देता है, किसी भी टाइप का होन्स को हील करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो सो गाइस, ये सोप को जो है फेस के साथ साथ बॉडी में भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर बॉडी में एक्ने, पिंपल की प्रॉब्लम है, दाने निकल आते हैं, सन टैन हो जाता है, तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। एज ए ब्यूटी सोप की तरह भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। सुबह शाम कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा। बेस्ट पार्ट ये है कि स्किन के लिए सेफ है, गर्मियों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा है, रिफ्रेशिंग के लिए, जो पसीने की वजह से खुजली आती रहती है उसके लिए भी बेस्ट है ये। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वजह से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।